कृष, अब तक हमने गुमशुदा सुना था, शादीशुदा सुना था, और ये लवशुदा क्या नया एंगल आप लेकर आ रहे हैं? कि जैसे आपने सही कहा, जैसे तलाकशुदा होता है, गुमशुदा होता है, शादीशुदा होता है, वैसे ही लवशुदा है। लवशुदा का मतलब ही है कि टू बी इन लव, कि प्यार में होना, जैसे क्रश कहते हैं, इंफैटुएशन कहते हैं, लव स्ट्रक कहते हैं इंग्लिश में, तो हमने हिंदी में वर्ड बनाया लवशुदा। और उम्मीद करते हैं कि 19 फरवरी को जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तो सब लवशुदा हो जाएगी। जैसे कि देखा जा रहा है आजकल जो भी मूवी आ रही है उसमें पार्टी सॉन्ग एक जो दारू को लेकर, इसी वाइन को लेकर कॉमन हो गया है। जी जी, तो आपकी मूवी में भी बहुत अच्छा है कि पीने की तमन्ना, ये तमन्ना कब जाएगी और कैसे जाएगी? मुझे लगता है कि सबको बहुत ही पीने की तमन्ना होती है, और ये कोई अच्छी बात है। आप शराब भी पी सकते हो, और भी चीज़ें पीने की वो भी पी सकते हो। और या आई थिंक ये कंपोजर है, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने बनाए हैं, पार्टी ट्रैक्स हैं। और क्योंकि ये फिल्म में ऐसा सिचुएशन है कि हीरो बैचलर पार्टी में जाता है, तो बैचलर पार्टी में पानी और दूध तो नहीं पी सकता है, तो उसको शराबी पहले बहुत, उसके दोस्त बहुत शराब पिलाते हैं उसे, तो उस सिचुएशन में बहुत ही खूबसूरती से गाने बैठते हैं। नवनीत, आपकी पहली फिल्म है ये, और किस तरह से डेब्यू किया है, क्या सीखने को मिला ग्रेस के साथ में? वेल, मेरी पहली पिक्चर है एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये पिक्चर मिली, बिकॉज ये बहुत ही आज की और बहुत रियलिटी के पास पिक्चर है। एंड गिरीश से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इन्होंने पहले एक पिक्चर कर रखी थी, इन्होंने अपने जब भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, बिकॉज इज कम फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ प्रभु देवा सर के स्कूल से आते हैं, तो उनका और वैभव का आई थिंक काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, सो उससे बहुत सीखने को मिला। तो किस तरह की आपका जो रोल है लवशुदा में, एक्शन है, लव है, क्या किस तरह का रोल आप? एक्शन है, बहुत सारा एक्शन अलग तरीके का एक्शन है, सो बट हाँ बहुत मिक्स्ड, बहुत अच्छा फन कैरेक्टर है मेरा, जो बहुत जिंदा दिल लड़की है और खुश रहती है, और जिंदगी में उसको कुछ रिग्रेट नहीं है, सिर्फ मुझे आज के लिए जीना है, खुश होने के लिए जीना है। तो इस मूवी में जो है कि आप कोई मैसेज भी है, सोशल मैसेज इस तरह का कोई लवशुदा तो आप? देखिए, सोशल मैसेज नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसके लिए आपको कभी कभी लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, लेकिन अपने प्यार को कामयाब करने के लिए आपको हर तरीके की चीज़ें अपनानी चाहिए, और यू शुड जस्ट वर्क एंड फाइट फॉर इट। बात करें पार्टी की, तो आपका गाना फेमस हो गया, पीने की तमन्ना है, क्या कुछ नया और लेकर आ रहे हैं इस गाने के साथ? क्या वह ये जब गाना बना था तो मुझे ब्रीफ मिली थी कि बैचलर पार्टी है, ऐसा सिचुएशन है कि गिरीश जो है फिल्म में अपने दोस्तों के साथ 6-7 बंदे जो हैं क्लब में हैं, इंग्लैंड में हैं, सो इट हैज़ टू बी मॉडर्न येट देसी एंड इट हैज़ टू बी अ पार्टी सॉन्ग। तो हम लोग बस आइडियाज़, मैं कुमार पाजी के साथ हम लोग बैठे थे, लिरिसिस्ट जो है वो, और बस आइडियाज़ डाल रहे थे कि ये हो सकता है क्लब में, ये होता है, ये सब हम चीज़ें करते हैं ऑन अ डेली बेसिस या बैचलर पार्टी में, तो उस तरीके से बन गया गाना। बस आज फिर पीने की तमन्ना, तो पीने की तमन्ना हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्योंकि वो भी पीना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तो आज सब साथ में पियेंगे। मेरे हाथ में गिलास, तेरी आंखों में शराब, थोड़ी सी पिला के मुझे कर दे खराब, हो जल्दी से पिला दे, मैनू डांस वांस भी करना है। आज फिर पीने की तमन्ना है, 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 आज फिर पीने की तमन्ना है। गिरीश, चलिए ये तो बात हुई पार्टी की, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है इस मूवी में? जी, ये फिल्म में परिचय ने 4 गाने दिए हैं और मिथुन उन्होंने एक गाना दिया, मर्ज है मेरा फेवरेट। खैर, पांचों की पांचों मेरे बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी मुझे लगता है कि एल्बम बहुत स्पेशल है, लेकिन मर्ज है उनमें से मेरा थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर फेवरेट है।